आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। हजारीबाग नगर निगम के क्षेत्र में अव्यवस्थित झील के सुंदरता अपने आप में मनमोहक है। प्रतिदिन सुबह और शाम में झील में सैकड़ों लोगों का आवागमन लगा रहता है। झील की सफाई करते हैं। छठ महापर्व आने पर पूर्व झील में लगे जल को निकालने में नगर निगम पूरी तरह जुटती है और सारा खर्च नगर निगम के माध्यम से होता रहा है, जो काबिले तारीफ है। परंतु प्रत्येक वर्ष पूरे झील का 3 वर्ष के लिए ठेका लाखों में करके ठेकेदार द्वारा करोड़ों में कमाया जाता है। जिला मत्स्य विभाग के द्वारा सुविधा व साफ सफाई के नाम पर जिला मत्स्य कार्यालय कभी भी क्रियाशील नहीं दिखता। केवल विभाग का कार्य मछली पकड़ना, बेचना और उसे अपना रिव्यू अर्जित करना रह गया है। वहीं उन्होंने बताया कि जिला मत्स्य विभाग के अंडर में 3 झील आती है, जो एक छोटी और एक मीडियम साइज और एक बड़ी झील है। हजारीबाग जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधिमंडल आज जिला मत्स्य पदाधिकारी से मिलने उनके कार्यालय आई थी। मिलने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिला मत्स्य विभाग के अंदर में स्थानीय झील आता है, जिसमें 3 झीलें हैं, छोटी मीडियम साइज की और एक बड़ी झील। इसकी 3 वर्षों के लिए नीलामी 21 लाख में की जाती है और उससे प्रति वर्ष 80 से 90 लाख तक की मछली बेची जाती है। अगर इसको तीनों को कैलकुलेट किया जाए तो करोड़ों रुपया का फायदा जिस समिति को मछली पालने के लिए दिया जाता है और क्रय विक्रय के लिए दिया जाता है उनको फायदा होता है और विभाग को मात्र 20-21 लाख रुपये मिलते हैं। हम लोगों का पहला डिमांड था कि जो 3 वर्षों की राशि है, टेंडर राशि, ठेके की राशि, उसको बढ़ाई जाए। दूसरा, छठ महापर्व के पूर्व पहले यहाँ सफाई हो जाए, वो विभाग करे या मत्स्य समिति है वो करे।